गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर लेक्चर थर्ड ऑफ चैप्टर 6। तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 50 निकालिए। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कीज के टाइप्स पढ़ रहे थे और हमने स्पेस बार की तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे कैप्स लॉक की। ओके, तो कैप्स लॉक की कैसी होती है? कीबोर्ड में ऐसी दिखती है, जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर में दी हुई है, और कीबोर्ड में यहाँ होती है, लेफ्ट साइड होती है। तो कैप्स लॉक की पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कैप्स लॉक की। दिस की इज यूज टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल केस। क्या है दिस की? इज यूज्ड टू टाइप अल्फाबेट इन कैपिटल केस। जब हमें अल्फाबेट्स को, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी, इनको कैपिटल केस में टाइप करना होता है, तब हम कैप्स लॉक की प्रेस करते हैं। व्हेन दिस की इज प्रेस्ड, जब हम यह की प्रेस करते हैं, अ ग्रीन लाइट इज शोन। तो हमको यहाँ पे ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। ओके, बाय प्रेसिंग इट अगेन, जब हम इसको अगेन फिर से प्रेस करते हैं, तो ये जो ग्रीन लाइट है वो ऑफ हो जाती है, इट गेट्स स्विच ऑफ। एंड द लेटर्स आर अगेन टाइप्ड इन स्मॉल केस। लेटर्स जो हैं वो स्मॉल केस में टाइप होने लगते हैं फिर से। नेक्स्ट देखेंगे हम एंटर की, है ना, एंटर कीज़। क्योंकि ये कीबोर्ड में देखें तो हम एक एंटर की यहाँ पे होती है और एक एंटर की यहाँ पे होती है, और ये ऐसी होती है। पिक्चर देखिए, है ना, तो हम एंटर कीज के बारे में पढ़ेंगे। दिस की इज यूज्ड टू सेंड एनी कमांड टू द कंप्यूटर। इस की का हम यूज़ करते हैं कोई भी कमांड को सेंड करने के लिए टू द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को किसी भी कमांड को सेंड करने के लिए हम एंटर की का यूज़ करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प अस टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, और ये हमारी हेल्प करती है कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने में। देयर आर टू एंटर कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में टू एंटर कीज़ होती हैं, एक तो ये होती है और एक ये होती है, और एंटर की इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न की। एंटर की को हम रिटर्न की भी बोलते हैं। डिलीट की, डिलीट की क्या है? डिलीट की इज़ यूज्ड टू इरेज द लेटर और नंबर प्लेस टू राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर या लेटर को इरेज करने के लिए, और ये हमको, ये देखिए, ये डिलीट की दी हुई है कीबोर्ड में, डिलीट की यहाँ होती है। ओके, थैंक यू क्लास फर्स्ट, हैव अ नाइस डे।